हेलो कौन फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, इनके स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सी जो कि चालू हुई है अगेन स्काउट एंड जीटी एक्सप्रीत के बीच में। एंड आप सबको पता होगा, स्काउट ने एक हफ्ते पहले, नियरली एक हफ्ते पहले, जब चितोमैन को जीटी एक्सप्रीत ने कॉल किया था, तो फिर स्काउट ने अपने लाइव स्ट्रीम पे बोला था कि भाई मुझे सुनने में आया कि ये जीटी एक्सप्रीत वगैरह जो है वो व्यूवर्ड वगैरह यूज़ करता है एंड उसके 10,000 का बच्चे वगैरह देखते हैं। एंड इस चीज़ को रिप्लाई करते हुए जीटी एक्सप्रीत ने इसका जो रिप्लाई है वो एक हफ्ते बाद अभी किया है। उसका एक रीज़न है, स्काउट ने कल अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया था छोटा सा कि सॉरी एवरीवन टू लेट यू गाइस डाउन इन PMCO एंड मैं तब तक स्ट्रीम नहीं करूँगा जब तक मैं इंटरनेशनल प्लेयर का लेवल का नहीं हो जाता। एंड उसने साथ में ये भी बोला था कि आई एम रियली सॉरी फॉर बींग सो टॉक्सिक अगेंस्ट सम पीपल आउट हियर इन कम्युनिटी बिकॉज मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसके लिए जो भी है मैं लाइव स्ट्रीम पर बोल देता हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी उसने सॉरी बोला एंड प्रोबली अब जो है वो थोड़ी बहुत टॉक्सिक बातें किया करता था लाइव स्ट्रीम पे, जो गाली गलौज किया करता था, शायद से वो सब नहीं करेगा। थोड़े दिन के लिए उसने ब्रेक लिया हुआ है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग से एंड आई नो दैट ही विल बैक, वो आएगा, वापस ज़रूर आएगा, बहुत बैंक के साथ वापस आएगा। एंड उसने अपने दोस्तों वगैरह सबको को थैंक यू बोला हुआ है, जितने भी दोस्त थे, एंड वापस उसने बोला कि भाई हम लोग वापस आऊँगा, मैं बैंक के साथ वापस आऊँगा, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छा आऊँगा, मतलब वापस आऊँगा एंड एक नई टीम INDA आपको देखने को मिलेगी। सो हैट्स ऑफ टू स्काउट कि भाई इतना डेडिकेशन है उसको कि भाई उसको ऐसा लगा कि मेरा परफॉर्मेंस PMCO में अच्छा नहीं था, इसके लिए वो ब्रेक ले रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे हैं जो कुछ किल्स लेते हैं, बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे स्काउट ने PMCO में इतना अच्छा परफॉर्म किया तो भी वो बोल रहा है कि मैं अभी तक उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं उस लेवल पे जब पहुँचूंगा उसके बाद ही मैं वापस स्ट्रीम करने आऊँगा। एंड साथ में जब उसने बोल दिया कि भाई मैं टॉक्सिसिटी अब नहीं फैलाऊँगा अपने चैनल पर, उसके बाद GTX प्रीत ने ये रिप्लाई किया है, समझ रहे हो। तो GTX प्रीत चाहता है कि भाई वो कॉन्ट्रोवर्सी में बना रहे तो उसको व्यूज़ वगैरह सब मिलते रहेंगे। सो अब बात करते हैं GTX प्रीत के बारे में। तो GTX प्रीत ने क्या क्या बोला था, हम वो सब एक एक करके आपको सुनाते हैं। पहली बात GTX प्रीत ने करी थी व्यूबॉट को लेके, उसने बोला था कि भाई देख लो मेरा स्क्रीन मैंने खोल के दिखा दिया, व्यूबॉट को लेके मैं कहीं भी व्यूबॉट यूज नहीं करता, ये देखो मेरा टास्क मैनेजर, सारी प्रोसेसेस देख लो, है ना, धीरे धीरे स्लो मोशन में चला के देख लो भाई प्रोसेसेस, व्यूबॉट कहां है भाई दिखाओ, अभी भी 4,000 लोग देख रहे हैं हमारे को और लाइक 2,000 ही हुआ, दिखाओ भाई व्यूबॉट का, दिखाओ भाई ये बेंच बॉट लाइक कर रहे हैं मेरी स्ट्रीम, हाँ ऐसे इनको ऐसा लगता है हम चूती हैं बेंच, ये मेहनत करते हैं, ये परफॉर्मेंस देखो भाई, ये सब चीज़ें देखो, ऐप परफॉर्मेंस देख लो, स्टार्टअप देख लो भाई, यूजर्स देख लो, बेंच कहाँ है व्यूबॉट। तो हम सभी को पता है गाइस कि व्यूबॉट कैसे वर्क होता है, खुद मेरे चैनल पे भी व्यूबॉटिंग हो चुकी है। वो व्यूबॉट आप अपने डेस्कटॉप पे बैठ के नहीं करते हो बल्कि आप किसी थर्ड पार्टी बंदे से करवाते हो। तो ये टास्क बार वगैरह खोल के दिखाना है कि भाई व्यूबॉट कहाँ पे है वो तो टोटली गलत है, बिकॉज सबको पता है व्यूबॉट आप अपने पीछे से नहीं करते हो, किसी और से करवाते हो, तो ये तो एकदम ही अलग, लाइक कुछ भी लॉजिक ही नहीं था उस चीज़ को लेके, ठीक है। सेकंड पॉइंट उसने बोला कि भाई अपने आप को देख कि तू क्या कर रहा है सुअर की शक्ल के। अभी लोग मेरे को क्या बोलते हैं, एक टट्टा यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम पे लोगों को बोला कि मेरे को 10 साल के यूट्यूबर देखते हैं, मतलब 10 साल के बच्चे देखते हैं मेरी स्ट्रीम। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट लिया है स्पेशली मेरे यूट्यूब में से, है ना, ये देखो भाई कितने साल के लोग देखते हैं हमारे को, ये देखो 10 साल तक के तो बच्चे हैं ही नहीं भाई मेरी स्ट्रीम पे, 13 से लेके 17 साल तक के जो लोग हैं वो है मेरी स्ट्रीम पे 14%, 18 साल से 24 साल तक के लोग हैं 54%, इसको जूम करके दिखाता हूँ किसी को नहीं दिख रहा हो तो, एक मिनट, ये देखो भाई नीचे दिख रहा होगा आपको, और 25 साल से 34 साल तक के लोग हैं 23%, 35 से 44 ईयर्स तक के लोग भी देखते हैं मेरी स्ट्रीम जो कि है 5%, समझ रहे हो आप इस बात को, और टट्टे बोलते हैं कि मेरे को 10 साल के बच्चे देखते हैं। अब एक गधे की औलाद, तू अपने आप को देख कि तू क्या कर रहा है पहले, तू क्या कर रहा है पहले, तू ये देख मेरे को बोलने से पहले, तेरे बाप का स्क्रीनशॉट देख यहाँ पे और खुद को देख, छांटे शक्ल तेरी सुअर के जैसी है भोसड़ी के, खुद की शक्ल देख। तो भाई स्काउट क्या कर रहा है, स्काउट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्काउट बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल रहा है, स्काउट टीम INDA को हम लोग जानते हैं बिकॉज वो पबजी मोबाइल पे खेलता है एंड बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलता है, बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुका है एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेयर, ठीक है, इंडिया में अभी आप बोल सकते हो स्काउट वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेयर है, जिस तरह से वो खेलता है, जिस तरह से वो अटैक करता है, इट्स ग्रेट।
बात रही उसकी शक्ल की, सुअर की शक्ल, तो भाई पाजी मैं एक चीज बता दूं, शक्ल किसी का भी बुरा नहीं होता, एंड स्काउट का शक्ल तो एब्सोल्युटली किसी भी एंगल से तुम ये नहीं बोल सकते वो गलत या फिर बुरा दिखता है। इनफैक्ट अगर मेरी बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है वो तुमसे भी बेटर दिखता है पाजी, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम किसी को शक्ल को लेके किसी को कंपेयर करना एंड ये बोलना कि सुअर की शक्ल का है, भाई दिस इज चूतियप्पा, ठीक है पाजी। तुम एक रिस्पेक्टेड पर्सन, तुम अपने को मैच्योर बताना चाहते हो एंड उसके बाद तुम अपनी स्ट्रीम पे इतनी भद्दी और इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हो, यार ये तो बकवास चीजें करते हो। तुम कहाँ से मैच्योर, तुम कहाँ से लग रहे हो, मुझे तो लगा ही नहीं। जिस तरह से तुमने वो सब बातें करी हुई है, मुझे वो कहीं भी नहीं लगा कि तुम मैच्योर्ड हो, ऐसा लग रहा है कि तुम बच्चे हो, तुम अभी भी झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स इट। तुम झगड़ा खत्म नहीं करना चाहते, तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। थर्ड पॉइंट उसने बोली है कि जो हमें सुपर चैट मिलती है उससे उन लोगों की गांड जलती है एंड उन लोगों कोई सपोर्ट नहीं करता बिकॉज उनका नियत खराब है। अरे हमको सुपर चैट्स आती है, इनकी गांड जलती है कि भाई इनको क्यों आती है सुपर चैट, है ना। ये लोग आएगी अपने आप को भगवान समझते हैं। मैं और आएगी, पर अरे मेरे भाई कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतनी थर्ड क्लास नियत है भाई लोगों की। पाजी कुछ नहीं बोलो तो बेटर है, फायदा नहीं है। हाँ यार, फिर अभी लोगों के सामने स्ट्रीम खोल ली जाएगी, अभी फिर आ जाएगा। सुपर चैट आती है इनकी गांड में खुजली मस्ती है, $10 की सुपर चैट आ गई, $100 की सुपर चैट आ गई, गांडे फटी पड़ी है भाई, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इनकी नियत खराब है। उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, टीम आईएनडी और स्काउट को सपोर्ट नहीं करता, आर यू फकिंग सीरियस अबाउट दैट। भाई स्काउट को जितने सपोर्ट मिलते हैं, भले ही उसके सब्सक्राइबर्स तेरे से कम है पाजी, बट बिलीव मी उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं एंड एक इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में उसका एक नाम है, ठीक है। वो जाना जाता है अपने नाम के कारण, स्काउट ओपी वैसे ही उसको नहीं बोलते लोग, वो अपने नाम के कारण जाना जाता है, अपने काम के कारण जाना जाता है। तो ये तो बोलना ही मत कि उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। बात रही चैट्स से गांड जलती है, भाई किसी की किसी को भी किसी की भी गांड नहीं जलती कि भाई तुमको कितने सुपर चैट मिल रहे हैं। स्काउट ने सिर्फ एक टूर्नामेंट जीता था, वहां पे उसको 16 या फिर 20 लाख रुपए मिले थे। पीएमसीओ की बात करो, जो क्वालिफायर राउंड आया था, सेकंड आया था, 16 या फिर 20 लाख ऐसा कुछ मिला था उसको। तुम यहाँ पर बस वही बोलते रहो, थैंक यू फॉर 20 रुपए का सुपर चैट, थैंक यू फॉर 20 रुपए का सुपर चैट, थैंक यू फॉर 20 रुपए का सुपर चैट, थैंक यू फॉर 40 रुपीज पेटीएम। तुम बस इतने करते रहो, वो क्वालिफायर खेल खेल के पैसे कमा लेता है एंड जितने सुपर चैट तुमको आते हैं उससे थोड़े कम आते होंगे, बट उसको भी आते हैं भाई। तो सुपर चैट से तुम्हें कोई नहीं जलता, तुम्हारी जो हरकत है, जिस तरह से तुम बातें करते हो, उसके कारण लोग तुम्हें हेट करना आप चालू किए हैं पाजी। थोड़ी सी तुम जो बोलते हो ना कि मैं मैच्योर्ड हूँ, मैच्योर्ड, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओ अपने आप को, इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग रखो, विच विल बी ग्रेट। एंड किसी और बंदे को कुछ बोल के कोई मतलब नहीं है कि स्काउट ऐसा है, ये ऐसा है, किसी को फ़ोन करके, किसी के मॉम को फ़ोन करके ये सब धमकी वगैरह देना कहीं से भी मैच्योर्ड लेवल नहीं बता रहा है, ठीक है। सो लेट्स आप अपने काम पे फोकस करो, कोई बंदा अपने काम पे फोकस करता है आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। अगर ये अगर पुराना वाला स्काउट होता तो अभी तक तुम्हारी ले ली होती भाई उसने, बट ये एक नया स्काउट है जो अब्यूज़ नहीं करेगा, जो कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक टू स्काउट फॉर हिज फ्यूचर एंड पाजी तुमको भी बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, एंड प्लीज़ दूर रहो इन सब चीज़ों से, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड स्काउट कम बैक विद द बैंग ब्रो, हम सब तुम्हारा वेट करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस एज ऑलवेज, पीस आउट। लोगों ने इनको हीरो बताया, पबजी को इनको हीरो बनाया, असल में तो गेमर की झांट नहीं है, सच्चाई अपन बता रहे हैं। ये है कि यूज करते जाएं जनता को बेवकूफ बनाएं, फिर भी व्यूज ना मिले तो व्यूवर्स यूज करते जाएं, दुनिया को नीचा दिखाएं, खुद को गेमर बताएं। यह की यूज करते हैं फिर भी ना डरते हैं, सच सामने आ जाए तो ग्लिच का नाम भरते हैं, खोल दूं आज इनका चिट्टा खोल दूं, टट्टे क्या कहेंगे मैं इनके टट्टो को ही फेल दूं। खेलते ये पबजी एम आई खेलते, पीसी इनके पास में तो बंदे हैं ये फेलते, हम कुछ कहें तो बोले ऐसा क्यों किया, यूजिंग एम असिस्ट एंड बनाओ सबको चूतिया।